Today, in the subject of the manufacturing technology, we are continuing limits, tolerance and fits, system of the fits, fit in an assembly condition between hole and shaft. A hole is there and a shaft is there. How the fit is there, this is determined by the system of the fit. There is a hole, shaft is there, and there is a hole is there. How this is fit, this is known as the system of the fit. Hole, a feature enlarging a component. Shaft, a feature being engulfed by a component. This is known as the shaft. Current fit, in this type of the fit, the largest permitted shaft diameter is less than the smallest hole diameter so that the shaft can rotate or slide according to the purpose of the assembly. And ye aapko clearance fit hai. Hole bada hai, shaft beech mein hai, shaft rotate kar sakta hai, shaft slide kar sakta hai, isko clearance fit bolte hai. Hai na? आपको डिफिनेशन पे आपको क्लियरेंस फिट को आपको दिखाया गया था. इन दिस टाइप ऑफ द फिट द लार्जेस्ट परमिटेड शाफ्ट डायमीटर इज लेस देन द स्मॉलेस्ट होल डायमीटर सो दैट द शाफ्ट कैन रोटेट, शाफ्ट कैन रोटेट और स्लाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द असेंबली. देन दिस इज नाउन एज द क्लियरेंस फिट. दिस इज द फिगर ऑफ द क्लियरेंस फिट वेयर द शाफ्ट कैन रोटेट एंड स्लाइड विद इन द होल. इसमें मैक्सिमम सी है, मिनिमम सी है, ये आपको दिखाया गया है. टॉलरेंस जोन्स नेवर मेट अपर लिमिट ऑफ द होल आपको दिखाया गया है, माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये आपको मैक्सिमम सी पे. अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये आपको मैक्सिमम सी है, मिनिमम सी है, लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट. लोअर लिमिट ऑफ द होल ये आपको लोअर लिमिट ऑफ द होल हो गया, माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट ये आपको मिनिमम सी हो गया. आपको मिनिमम क्लियरेंस हो गया, मैक्सिमम क्लियरेंस हो गया, इसको आपको क्लियरेंस फिट बोलते हैं. है ना, क्लियरेंस फिट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसको क्लियरेंस फिट बोलते हैं. इंटरफेरेंस फिट, इट इज डिफाइंड एज द फिट एस्टैब्लिश्ड बिटवीन व्हेन ए नेगेटिव क्लियरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द साइज ऑफ द होल एंड द शाफ्ट. इन दिस टाइप ऑफ द फिट द मिनिमम परमिटेड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन द मैक्सिमम अलाउड डायमीटर ऑफ द होल. है ना, इंटरफेरेंस, इंटरफेयर कर रहा है. शाफ्ट का जो डायमीटर है ये आपको होल का डायमीटर से ज्यादा है. देखिए शाफ्ट का जो डायमीटर है, होल का जो डायमीटर है आपको यहाँ पे आपको ज्यादा है, तो इसको इंटरफेयर कर रहा है, इंटरफेरेंस किट कह रहा है. ये आपको बीरिंग बूसेस जो लगाए जाते हैं, की और क्यूवेज जो लगाए जाते हैं, वो आपको इंटरफेरेंस फिट का आपको एग्जांपल है. बीरिंग बूस जो गाड़ी में फिट किया जाता है, टाइट फिट होता है, इंटरफेरेंस फिट का आपको एग्जाम्पल है. की एंड क्यूवेज जो शाफ्ट में लगाया जाता है वो आपको इंटरफेरेंस फिट का आपको एग्जांपल है. ये आपको टाइट फिट होता है, ये फिगर में आपको दिखाया गया है, ये होल का डायमीटर से आपको बड़ा होता है. इन दिस टाइप ऑफ द फिट द मेंबर्स आर इंटेंडेड टू बी परमानेंटली अटैच्ड. जब परमानेंटली अटैच करना है तो इंटरफेरेंस फिट का यूज किया जाता है. बीरिंग बूसेस को, कीज को, कीवेज को परमानेंटली अटैच किया जाता है तो इंटरफेरेंस फिट का यूज किया जाता है. आपको टाइट फिट कर दिया जाता है, फिर आपको उसको खोलना नहीं है, आपको उसको असेंबली में आपको खोलना नहीं है. है ना, जो मैक्सिमम मैक्सिमम वन लोअर लिमिट ऑफ द होल, लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट वो आपको दिखाया गया है. आपको अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट ये आपको मैक्सिमम वन होगा, मिनिमम आई आपको अपर लिमिट ऑफ द होल. है ना, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट ये आपको मिनिमम आई होगा. ये इसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं.
जिसमें कि परमानेंटली जो है असेंबली में अटैच कर दिया जाता है, इसको इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। एग्जांपल है बीयरिंग बुशेस का, की एंड क्यूएच का। दूसरा है ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट जब देखिए होल का ये आपको मैक्सिमम साइज और इसका मिनिमम साइज दोनों के बीच में रहता है तो इसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन में असेंबली किया जाता है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन फिट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ द फिट डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट अलाउबल होल इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट होल, बट द स्मॉलेस्ट होल इज स्मॉलर देन द लार्जेस्ट होल सच दैट ए स्मॉल पॉजिटिव और निगेटिव क्लियरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल, है ना। क्लियरेंस एग्जिस्ट करता है, ये आपको क्लियरेंस आपको दिखाया जा रहा है ना फिगर में, ये क्लियरेंस आपको एग्जिस्ट करता है तो उसको ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। एग्जाम्पल है कपलिंग रिंग्स स्पाइगोट इन द मेटिंग हॉल्स। कपलिंग रिंग्स का जो असेंबली किया जाता है, कपलिंग किया जाता है, उसमें आपको ट्रांजिशन फिट का यूज किया जाता है। स्पाइगोट जो मेटिंग हॉल्स में है उसमें आपको ट्रांजिशन फिट का यूज किया जाता है। तो आपको मैक्सिमम सी जो है अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये आपको मैक्सिमम सी इसको बोलते हैं। और मैक्सिमम आई का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ ए होल एंड द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, इसको ये बोलते हैं। ये इस तरह की फिट को आपको ट्रांजिशन फिट आपको क्लियर किया जाता है, इसको ट्रांजिशन फिट आपको बोला जाता है ना। तो ये तीन तरह का फिट होता है, सिस्टम ऑफ द फिट होता है, ये आपको यहां पर बताया गया, ट्रांजिशन फिट, इंटरेंस फिट एंड क्लियरेंस फिट, है ना। ये सिस्टम ऑफ द फिट्स है। होल बेसिस सिस्टम होता है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है, इसको आपको सिस्टम ऑफ द फिट आपको बोला जाता है। ये आपको तीन तरह के फिट होते हैं, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। Now come to the term interchangeability. Interchangeability, interchangeability, selective assembly आपको syllabus में दिया हुआ है, आपको ये आपको आपको पढ़ना है। Interchangeability occurs when part one part in an assembly can be substituted for a similar part which has been made to the same drawing. Interchange किया जा सकता है, one part को दूसरे part से interchange किया जाता है तो उसको interchangeability बोलते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन सर्टेन स्टैंडर्ड्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोड, है ना। यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी है, लोकल इंटरचेंजेबिलिटी है। यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी मींस द पार्ट्स टू बी असेंबल्ड आर फ्रॉम टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेस, दो मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेस से बनाया गया है और उसको जो असेंबल किया गया है उसको यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। लोकल इंटरचेंजेबिलिटी मींस ऑल पार्ट्स टू बी असेंबल्ड आर मेड इन द सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया गया है ना। मारुति का कई वेंडर्स हैं, अगर मुंजाल सोवा में बनाया गया है, दोनों पार्ट मुंजाल सोवा में बनाया गया है तो उसको लोकल इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। अगर एक पार्ट मुंजाल सोवा में बनाया गया है, दूसरा पार्ट एनकॉन में बनाया गया है तो इसको यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं, है ना। Assembled from the two different manufacturing sources, तो इसको universal interchangeability बोलते हैं। ये आपको interchangeability का मतलब हो गया। Selective assembly, in selective assembly, the parts are graded according to the size and only meshed grades of the mating parts are assembled. This technique is most suitable where close fit of the two component assembled is required. Selective assembly provides complete protection against the non-conforming assembly and reduces the machining cost as cross tolerances can be maintained. Suppose some parts, shaft and hole, are manufactured to a tolerance of the 0.01 mm, then the automatic gauge can separate them into the two different groups, 0.01 mm limit for selective assembly of the individual part. Thus, high quality and low cost can be achieved. Selective assembly is used in the aircraft. ये आपको एयरक्राफ्ट में आपको यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको यूज किया जाता है, जहां की टॉलरेंसेस नॉरो है, टॉलरेंसेस कम है, ये आपको सिलेक्टिव असेंबली आपको कहलाता है, है ना। ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस,
geometric tolerances. It is necessary to specify control geometric features of the component, such as a straightness, flatness, roundness, in addition to the linear dimension. This is known as the geometric tolerances. And form tolerances, oriental tolerances, position tolerances. Ye aapko form tolerances ka matlab hai, aapko form mein straightness hona chahiye, flatness hona chahiye, roundness hona chahiye, aur cylindricity hona chahiye. Orientation ka matlab hai, perpendicularity, parallelism, and angularity. Orientation tolerance, position tolerance ka matlab hai, position, symmetry, and concentricity. Hai na? To ye aapko geometrical tolerance kehlata hai, ye aapko kal bhi maine bataya hua tha, aapko straightness hai, ye straightness ka matlab hai, this type. है ना, ये आपको स्ट्रेटनेस है. टू कंट्रोल द स्ट्रेटनेस ऑफ द लाइन ऑफ द सरफेस एरिया बिटवीन द टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन कंटेनिंग द कंसीडर्ड लाइन और टॉलरेंस वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये आपको टॉलरेंस वैल्यू, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है, इसको स्ट्रेटनेस कहते हैं. फ्लैटनेस का मतलब है टू कंट्रोल द फ्लैटनेस ऑफ ए सर्फेस. ये आपको टॉलरेंस जोन आपको दिखाया हुआ है. एरिया बिटवीन टू प्लेन्स टॉलरेंस वैल्यू इज द डिस्टेंस. सर आप बोलिए सर, आज आपकी क्लास नहीं है. आज क्लास नहीं है, क्यों सर? आज बस पांडे सर की क्लास थी, उसकी क्या नाम है, सिंधु सर की क्लास थी बस. अच्छा सर, आज फ्राइडे है ना, बस उनकी क्लास है. यस सर. अच्छा, तो उनकी क्लास चल रही है. जी सर, जमी तो नहीं आ रखे बच्चे इधर. हाँ हाँ हाँ, तभी जो है बच्चे इसमें नहीं आ रहे, चार पांच बच्चे. तो क्या किया जाए अभी? जी सर, सर एंड कर दो सर, एंड कर दो, एंड करके ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि आज क्लास नहीं है. ठीक है, मैं एंड कर देता हूँ. ठीक है जी, ओके.